आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट डोमिनोज स्टाइल चिकन टाकोस की रेसिपी। और इसके लिए टाको शेल हम आसानी से घर में ही बना लेंगे गेहूं के आटे से। तो सबसे पहले लेते हैं 2 कप भर के गेहूं का आटा। इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के तेल, 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए आप। अब इस आटे में पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि ये ऊपर ड्राई ना हो, और इसे ढककर हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम टाकोस की अंदर की फिलिंग रेडी करते हैं। एक पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है ये, इसे डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मिर्च का कलर अच्छा डार्क हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। मिर्च का सारा तेल ड्रेन करके इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से अब हम क्रश कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसे मसल के क्रश करेंगे, ये काफी आसानी से क्रश हो जाएगा। अब इसी पैन में डाल देंगे 2 मीडियम साइज की प्याज स्लाइसेस में कटी हुई। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्के से ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये प्याज भी हमारी रेडी हो गई है, इसे निकाल लेते हैं बोल में। अब इसी पैन में डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच भर कर तेल। चिकन का कीमा है ये 250 ग्राम, इसे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर पहले चिकन के कीमे को अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। कीमे का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, बस इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के क्रश किया हुआ लहसुन। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और फिर से इसे मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन का कीमा है ये, इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस देखें ये रेडी हो गया है, अब इसे भी निकाल देंगे हम बोल में। इसमें डाल देते हैं 1 मीडियम साइज का बॉईल किया हुआ आलू। नमक थोड़ा सा डाल देते हैं यहाँ पर, करीब 1/4 चम्मच। थोड़े से डाल देते हैं बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे। अब ये टाकोस की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, इसे साइड में रख देते हैं। अब आटे की तरफ आते हैं। आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, इसके इस तरह से 2 बॉल्स बना लेते हैं। जितनी थिकनेस की हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बस उसी थिकनेस की हम यहाँ पर रोटी बेल लेते हैं। एक ये इस तरह का मैंने बोल ले लिया है, इस साइज का हम टाको शेल कट कर लेते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम पैन पर पका लेते हैं। हल्का सा इसे पकाएंगे, फिर पलट के इसे दूसरी साइड भी हल्का सा हमें पकाना है, इसे ज्यादा नहीं पकाना है। तो ये 1 टाको शेल हमारा रेडी है। इस तरह से हम सारे टाको शेल्स रेडी कर लेते हैं। टाकोस बनाने के लिए इस टाको शेल पे सबसे पहले स्प्रेड कर लेते हैं थोड़ा सा चिली सॉस, आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी इस पर डाल सकते हैं। मोजरेला चीज है ये, इसे डाल लेंगे यहाँ पर। फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी हुई है यहाँ पर ये डालकर इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर भी डाल देंगे मोजरेला चीज। अब ये टाको शेल को हमें इस तरह से बंद कर लेना है, अंदर की तरफ फिलिंग दबाते हुए इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये देखें ये 1 हमारा टाकोस बनके रेडी है। इस तरह से हम सारे टाकोस रेडी कर लेते हैं। अब टाकोस को फ्राई करने के लिए पैन पर डाल देंगे थोड़ा सा तेल। मैं यहाँ पर 1 टाको शेल फ्राई करके बता रही हूँ, आपके पास पैन अगर बड़ा हो तो आप 3 से 4 टाको शेल एक साथ फ्राई कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम टाकोस को पकाएंगे, एक तरफ अच्छा सा ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी पका लेंगे। हल्के हाथ से इसे दबाते हुए पकाना है ताकि जो चीज हमने अंदर यूज किया हुआ है ये बाहर ना निकल जाए। दोनों तरफ ही अच्छी तरह से पक गया है, अब ये जो कर्व है टाको शेल का इसे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये क्रिस्पी चिकन टाकोस बनके रेडी हो गया है। इसे आप सर्व कर लीजिए मेयोनीज या सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी और मजेदार रेसिपी बनती है और बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट है। जरूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और इसी तरह की मजेदार और आसान रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।